Welcome back friends, welcome to the next video on my YouTube channel. Today we will discuss the topic of 9th class. The topic is diversity in living organism. तो सबसे पहली चीज जो हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो है डायवर्सिटी. डायवर्सिटी क्या होता है? डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. जब डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो इसका मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? जब हम देखिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही हमें मुख्तलिफ तरह के जानदार नजर आते हैं. कभी अगर हम आसपास देखें तो कहीं काउ है, कहीं गोट है, कहीं शीप है, कहीं रैट दिखता है, कहीं कैट होते हैं, कहीं हार्स होता है. तो ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं. नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं. जब घर से बाहर हम थोड़ा सा देखते हैं तो कोई बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स जैसे ग्रासेस जिनको हम कहेंगे, कोई उनसे थोड़े से बड़े बड़े प्लांट्स और कोई बड़े बड़े दरख्त हैं जो फल देते हैं जिनको हम ट्रीज कहते हैं. तो मुख्तलिफ तरह की और मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स भी हैं और मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स में भी हैं. तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं. उसके लिए हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? डाइवर्सिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है. सो प्लांट्स के बारे में कहा जाता है 5 to 30 million स्पीशीज दुनिया के अंदर प्लांट्स की हैं, और एनिमल्स के हवाले से बताया जाता है 1.2 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट. सब की सब अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, लेकिन इस पे काम हो रहा है. साइंटिस्ट डे बाय डे इस पे वर्क कर रहे हैं. नाउ हमने इस चीज को कैसे मजीद में आसान करने की कोशिश करूंगा और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. मैं इस बात को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम डाइवर्सिटी और फिर उस डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या डायवर्सिटी को कैसे अरेंज किया जाता है. हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं. देखिए हम स्कूल की बात करते हैं. हमारे स्कूल में जिस वक्त मॉर्निंग असेंबली होती है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ग्राउंड में जमा होते हैं और हर क्लास के स्टूडेंट्स ग्राउंड में जमा होते हैं. सो वहां पर क्या है, नर्सरी के स्टूडेंट्स भी हैं, फर्स्ट के भी हैं, 8, 9, 10th तक जब हमारा स्कूल है तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स एक ही ग्राउंड के अंदर हैं. सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर हमने पढ़ाना हो तो हम ग्राउंड में उनको पढ़ा नहीं सकते. हम उनको क्या करें, हम उनको फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी स्टूडेंट्स को हम अरेंज करते हैं. उस अरेंजमेंट को स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, उनकी रिजेम्बलेंस के मुताबिक स्टूडेंट्स को अरेंज करना, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं. फिर हम स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस में रखते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, इस तरह से 10th class तक हर स्टूडेंट को हम अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं. तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, स्टूडेंट्स को अरेंज करने में काफी आसानी होती है. एक तो आसान होता है, इजियर उनको पढ़ाना हो जाएगा, और दूसरी बात जैसे 10th class की बात करें या 9th class की बात करें, जो स्टूडेंट्स 10th में होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स में सिमिलरिटी यह है कि सारे स्टूडेंट्स का एक सिलेबस है और स्टूडेंट को पढ़ाना आसान हो जाएगा. और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हमें क्लास में एक स्टूडेंट का भी मालूम हो जाए कि ये 9th class है, ये 10th class है, तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि ये 10th class के स्टूडेंट्स है और इनका ये सिलेबस और इनका ये सब्जेक्ट है. तो कितना आसान हो गया. इसको मैं मजीद आपको समझाने की कोशिश करता हूं. इस तरह से जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर ने भी अपनी दुकान में, अगर हम बात करें अपनी दुकान में, अपने चीजों को अरेंज किया होता है. अगर हम उसमें देखें तो उसने अलमीरा में मुख्तलिफ चीजों को अकॉर्डिंगली अरेंज किया होता है. सोप्स की बात करें या बिस्किट्स की बात करें, जैसे मैं बिस्किट्स की बात करता हूं, अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार ने अलमीरा में ऐसे कॉलम्स बनाए हुए होते हैं, अकॉर्डिंगली बिस्किट्स को उसी तरह से रखा हुआ होता है. तो हर तरह का बिस्किट, फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 रुपए वाला बिस्कुट होगा,
इसमें 10 रुपए वाला बिस्किट होगा, इसमें फिर 10 रुपए के बाद 15 रुपए, 20 रुपए का, 30 रुपए के बिस्किट्स होंगे। और मजीद आप फर्दर और एक चीज ऐड करना चाहते हैं और देख सकते हैं, जो 10 रुपए वाले बिस्किट्स होंगे उसमें सब कॉलम्स भी हो सकते हैं, और उसमें 10 रुपए वाले बिस्किट्स में अपने अपने किस्म के बिस्किट्स हो सकते हैं। इट मे बी द गुड डे बिस्कुट, इट मे बी द मॉज मैजिक, मुख्तलिफ तरह के बिस्किट्स होंगे। तो इसी तरह से 15 रुपए वाले में भी सब टॉप मतलब डिविजन्स हो सकते हैं इसी तरह से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार ने भी अपने काम को आसान करने के लिए अरेंज किया है। तो खास बात जो हमें अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है उसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, दैट मींस एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स? क्यों एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं? इसका जवाब ये होगा, इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं बिकॉज इट इज इजियर, ये इसलिए हमारे लिए आसान होगा उनको स्टडी करना, इट इज इजियर टू स्टडी देम। दूसरी अहम बात यह होगी कि इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर एक ग्रुप में एनिमल्स को हमने अरेंज किया है, हमें तमाम ग्रुप मेंबर्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक ग्रुप मेंबर को स्टडी करेंगे तो सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी। तो कितना आसान हमारे लिए काम हो गया, यानी वी विल स्टडी ओनली अ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ग्रुप, सो इट बिकम इजियर फॉर अस। एंड थर्ड थिंग यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स को हमने अरेंज किया है उनको आपस में सिमिलैरिटीज हैं, यानी दे हैव द रिलेशनशिप अमंग देम। और तीसरी बात यह है कि क्लासिफिकेशन करने की मदद से है करने से हमें वी विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉसिल्स। ये हमें कभी क्वेश्चन आ सकता है और इस क्वेश्चन का जवाब हम लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की फील्ड में किसने काम किया है? इट इज कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने 1758 में 1758 में कार्लस लीनियस वॉज द पर्सन हु स्टार्ट दिस वर्क, यानी उसने इस काम को शुरू किया है। तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना और उनके नाम देना, इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक सिस्टमैटिक एक ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी में सबसे पहला कदम जिसने रखा है दैट इज कार्लस लीनियस इन 1758। क्लासिफिकेशन की जब इब्तदा में शुरुआत की गई तो लोगों ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को। तो इब्तदाई में क्लासिफिकेशंस दो तरह की हुई, एक तरह की क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुई और दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें क्लासिफिकेशन करने के दौरान सुपरफिशियली कुछ करेक्टर्स को लिया जाता है, यानी बहुत डीपली करेक्टर्स को नहीं देखा जाता है, सुपरफिशियली स्टडी किया जाता है। तो ये वाला काम सबसे पहले प्लिनी ने स्टार्ट किया था, इट वॉज प्लिनी जिसने ये काम शुरू किया है। यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि किसने ये काम शुरू किया था, तो ये इट वाज प्लेनी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में मैं एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया। फॉर एग्जांपल, एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, जो पानी में रहने वाले हैं तो उनको कहा एक्वाटिक, जो लैंड पे रहने वाले उनको टेरेस्ट्रियल, और इस तरह से जो हवा में चलने वाले उनको एरियल कहा। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एनिमल्स को क्लासिफाई किया, जो सिर्फ घास खाने वाले उनको हर्बीवर्स, जो घास नहीं जो मीट खाने वाले उनको कार्निवर्स, और जो दोनों खाने वाले तो उनको ओमनिवर्स कहा गया। तो ये एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें बड़े ड्रॉबैक्स रहे। ड्रॉबैक्स क्या रहे मैं आपको मतलब याद मतलब इसी में समझाने की कोशिश करूंगा। ड्रॉबैक्स क्या रहे? ड्रॉबैक्स ये रहे कि इसमें अभी हमने बात करी जो पानी में रहने वाले हैं उनको एक्वाटिक कहा जाता है,
और जो लैंड पे रहने वाले हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। लेकिन जब फर्दर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई और इस फील्ड पे लोगों ने काम किया तो इसमें काफी ड्रॉबैक्स दिखे। ड्रॉबैक्स क्या है, एक ड्रॉबैक मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास जैसे फिश है, फिश पानी में रहते हैं, इसके अलावा व्हेल ये भी पानी में रहते हैं, ये दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन इनके आपस में क्या रिलेशन है। फिश और व्हेल जो है, फिश इंक्लूड्स इन द मैमल ग्रुप, आज के दौर में जो क्लासिफिकेशन हुई है, और फिश इज इंक्लूडेड इन द पाइसेस, सो हटीरोजिनस ग्रुपिंग हो गई इधर। एक और बात हम कह सकते हैं, दूसरी बात हमने कही कि जो एरियल, जो हवा में उड़ने वाले हैं उनको हम एरियल कहेंगे। इसमें हम एक और एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे बर्ड्स एंड बैट। बर्ड्स आज के दौर में एव्स के ग्रुप में है, और बैट्स जो है ये बैट जो है ये मैमल के ग्रुप में है। तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हेटेरोजिनस ग्रुपिंग हो चुकी है। तो हेटेरोजिनस ग्रुपिंग को अवॉइड करने के लिए दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो व्हाट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, हम इस पे क्या लिखेंगे, इट इज दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच द लार्ज नंबर ऑफ द फीचर्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये किसने सबसे पहले शुरू किया था, इट वॉज जॉन रे, हु स्टार्ट्स दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या किया गया, जिन एनिमल्स को ग्रुप्स में रखा तो उनको अकॉर्डिंगली उनके बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप्स थे, यानी एक्चुअल रियल रिलेशनशिप्स वॉज देयर। दूसरी बात, टू अवॉइड द हेटेरोजिनस ग्रुपिंग, जिस तरह की हेटेरोजिनस ग्रुपिंग यहाँ पे है उस चीज को अवॉइड करने के लिए सब किया गया। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली रिलेटेड एनिमल्स को आपस में ग्रुप्स में रखा गया। तो फिर हम देखते हैं इस पे मजीद बहुत ज्यादा काम हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस किस तरह से फिर बाद में आगे इस पे काम हुआ। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और फिर हम आगे मजीद इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक अहम बात जिसको हमने समझनी है वो यह है कि हाउ वी कैन गिव द नेम टू द एनिमल्स, यानी नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पे होगा। बायोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को पढ़ना है, इसलिए जब तक हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर आए, जब तक वो वीडियो आए, तब तक इस वीडियो को देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट में लिख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो